Hello children, in this video we will get to know the different ways to create NumPy arrays. So the first way is creating NumPy array using array function. Okay, first hamara way hai NumPy array create karna by using the array function. To create a 1D or 2D NumPy array, we can simply pass a Python list to array function. Okay, अगर आपको NumPy array बनाना है, one dimensional or two dimensional NumPy array, okay, उसके लिए आपको क्या करना है? You just have to pass list, Python list into the array function, right? अब हम इसको देखो, ये हमारे पास program है, example है. Fine. First program to create a one-dimensional NumPy array. हमने first program बनाया है जिसमें हमने क्या किया है? One-dimensional NumPy array बनाया है. So the first requirement is import NumPy as np. सबसे पहले आपको क्या करना है? NumPy library को import करना है. Fine. Okay. NumPy library import करने से क्या होगा? NumPy library import करने से we are able to use all the functions available in the library. Library के अंदर जितने भी functions हैं हम उनका use कर सकते हैं arrays बनाने के लिए, matrices बनाने के लिए, right? तो सबसे पहले हमने क्या किया? NumPy library को import कर लिया, fine. Second हमारे पास step क्या है? हमने एक list ली L1. ओके, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5. फाइन, सिंपली अब हमने क्या किया? NumPy लाइब्रेरी के एरे फंक्शन में लिस्ट को पास कर दिया. ओके, NumPy लिस्ट को सिंपली हमने पास किया. ओके, एंड ये लिस्ट अब क्या बन जाएगी? ये लिस्ट बन जाएगी एरे फंक्शन में जाने के बाद, ये लिस्ट बन जाएगी एरे. ओके, और ये एरे कहाँ पे जाके स्टोर होगा? ये एरे स्टोर होगा arr. दिस इज द एरे नेम. ओके, जो हमारा एरे क्रिएट होगा. ओके, यहाँ पे NumPy लाइब्रेरी के एरे फंक्शन में हमने लिस्ट को पास किया. ओके, अब ये लिस्ट बन जाएगी हमारे एरे. ओके, और कौन सा एरे बनेगी? वन डायमेंशनल एरे बनेगी, बिकॉज यहाँ पे हमारी सिंगल लिस्ट है. ओके, एंड अब सिंपली आपने क्या किया? प्रिंट करा दिया अपने एरे को, एंड दिस इज योर आउटपुट. नाउ यू कैन सी द आउटपुट, दिस इज योर एरे. ओके, 1 2 3 4 5. नाउ नेक्स्ट, हाउ यू कैन क्रिएट टू डायमेंशनल एरे. Here, program to create a two-dimensional NumPy array. Okay, so first हमारी requirement क्या होती है? First हमारी requirement होती है how, that is first you have to import the NumPy library. सबसे पहले आपको क्या करना है? NumPy library को import करना है. Okay, NumPy library को आप import करोगे, fine, so that you can use all the functions of NumPy library. Second, we have a list L1, जहाँ पे हमने क्या किया है? एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट दी है, fine. अब देखो यहाँ पे L1 में एक लिस्ट, L1 is the list in which we have multiple list. Okay, एक ही लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट है. अब सिंपली आपको क्या करना है? NumPy के एरे फंक्शन के अंदर अपने लिस्ट को पास कराना है. This is your list L1. अपने लिस्ट को पास कराना है, fine. ओके, एंड देन क्या होगा? एरे फंक्शन क्या कन्वर्ट कर, क्या कर देगा? इस लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा एरे में. ओके, और वो एरे कहाँ पे स्टोर होगा? ए वन वेरिएबल में. नाउ ए वन वेरिएबल हैज बिकम एरे. ओके, क्योंकि इसके अंदर एरे स्टोर हो जाएगा. और सिंपली आपने फिर क्या किया? प्रिंट करा दिया ए वन को. ओके, नाउ यू कैन सी द आउटपुट. ये आपका आउटपुट है. हमारे पास यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे है. Okay, having 1 2 3 4 columns and 2 rows. Okay, यहाँ पे आपको array मिल गया, 2 rows हैं और 4 columns हैं. Fine. तो first जो method है वो क्या है? We can create the array using array function of NumPy library. Okay. Now we will go to see the next function. Now the second function,
क्रिएटिंग एम्प्टी एरे, फाइन। अब सेकंड फंक्शन क्या है, क्रिएटिंग एम्प्टी एरे यूजिंग एम्प्टी फंक्शन। एम्प्टी फंक्शन कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एन एम्प्टी एरे और एन अनइनिशियलाइज्ड एरे ऑफ स्पेसिफाइड शेप एंड डेटा टाइप। एम्प्टी फंक्शन का क्या यूज है, इससे हम एम्प्टी एरे बना सकते हैं। एम्प्टी एरे मतलब द एरे विदाउट वैल्यूज, ओके। और अनइनिशियलाइज्ड एरे मतलब वहां पे वो क्या है, अनइनिशियलाइज्ड एरे है वो कोई भी गार्बेज वैल्यू ले लेगा, राइट, ओके। और व्हाई वी आर क्रिएटिंग एम्प्टी एरे, हम एम्प्टी एरे क्यों बना रहे हैं, ओके, इन केस इफ वी वांट टू स्टोर डेटा लेटर ऑन, अगर हमें बाद में डेटा स्टोर करना है अपने एरे में, तो क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्टी एरे बना सकते हैं, फाइन। इनिशियली तो गार्बेज वैल्यू कंटेन कर लेगा, और जब आप उसको इनिशियलाइज करोगे वैल्यूज से, अपनी रियल वैल्यूज से, देन इट विल इनिशियलाइज विद द रियल वैल्यू, फाइन, ओके। सो दिस इज द सिंटेक्स, ये आपका सिंटेक्स है numpy dot empty, ओके, एम्प्टी फंक्शन। इसके अंदर आपने क्या दिया, शेप, शेप क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन द एरे, फाइन। डेटा टाइप, पाइथन डेटा टाइप, आप कौन सा डेटा टाइप उसमें स्पेसिफाई करना चाहते हो, एंड ऑर्डर, सी ऑर्डर और एफ ऑर्डर, फाइन। अब इसको हम समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहले है शेप, शेप स्पेसिफाइज द डायमेंशंस एंड इज गिवन एज लिस्ट, रोज एंड कॉलम्स, जो अभी मैंने आपको बताया, शेप क्या स्पेसिफाई करती है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द एरे, फाइन। देन वी हैव द डेटा टाइप, डेटा टाइप इज अ डेटा टाइप ऑफ पाइथन और नंपाई टू सी इनिशियल वैल्यूज, राइट। अब डेटा डी टाइप एट्रीब्यूट से हम क्या करते हैं, हम डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं, इन फ्लोट जो भी आपको डेटा टाइप देना है, ओके, बूल, आप डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हो। नाउ वी हैव द ऑर्डर, अब हमारे पास क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर एज सी अरेंजेस एरे एलिमेंट्स रो वाइज इन द मेमरी, दैट इज फर्स्ट रोज एलिमेंट्स, देन सेकेंड रोज एलिमेंट्स एंड सो ऑन। अब क्या है, ऑर्डर का क्या यूज है, ऑर्डर को स्पेसिफाई करने से क्या होता है, मेमोरी के अंदर कैसे वो स्टोर करेगा, इट विल टेल यू, ये आपको क्या बताता है कि आपका एरे मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर करेगा। अगर आपने ऑर्डर यूज किया है सी, तो क्या होगा, ये रो वाइज स्टोर करेगा, पहले फर्स्ट रो कम्प्लीटली स्टोर होगी, फिर ओके, उसके बाद सेकेंड रो कम्प्लीटली स्टोर होगी कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन पर, राइट, एक के बाद एक रो स्टोर होती जाएगी। और अगर आपने ऑर्डर लिया एफ, ओके, तो एरे आपका स्टोर होगा कॉलम वाइज, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम कंप्लीट स्टोर होगा, देन सेकंड कॉलम स्टोर होगा, एंड सो ऑन, फाइन। सो यहाँ पे बहुत डेटा टाइप एंड ऑर्डर आर ऑप्शनल, बाय डिफॉल्ट डी टाइप इज टेकन एज फ्लोट एंड ऑर्डर डिफॉल्ट ऑर्डर इज सी, ठीक है। तो डेटा टाइप और ऑर्डर क्या है, ऑप्शनल, आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो एरे क्रिएशन में और नहीं भी कर सकते। अगर आपने नहीं किया है स्पेसिफाई डेटा टाइप एंड ऑर्डर को, तो बाय डिफॉल्ट आपका डेटा टाइप क्या होता है, फ्लोट होता है, आपका जो एरे बनेगा फ्लोट टाइप का बनेगा, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज का बनेगा, और डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होता है, सी होता है, मतलब आपकी मेमोरी में एरे स्टोर करेगा रो वाइज, फाइन। So, अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे कैसे एम्प्टी एरे को हम बनाएंगे। सिंपली सबसे पहले आपने क्या किया, numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, ओके, सो दैट, इसलिए इंपोर्ट किया जिससे हम उसके फंक्शंस का यूज कर सके एरे बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, numpy लाइब्रेरी के एम्प्टी फंक्शन का यूज किया और उसमें पास कर दिया नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सो थ्री रोज एंड टू कॉलम्स, ओके, एंड डेटा टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया इंट, ओके, ये जो गार्बेज वैल्यू भी अगर एम्प्टी एरे लेगा तो कौन सी गार्बेज वैल्यू ले, इंटीजर टाइप, फ्रैक्शनल वैल्यूज ना ले, इंटीजर टाइप, फाइन, ओके। जो एरे यहाँ पे क्रिएट होगा वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, एआरआर, दिस इज द वेरिएबल, ओके। अब हमने क्या किया, अपने एरे को प्रिंट करा दिया, फाइन। नाउ यू कैन सी दीज आर द गार्बेज वैल्यूज, ओके। नाउ It is important to note that the empty does not mean that the array will have all zeros. With empty, Python often creates an array with the uninitialized garbage values. तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि empty का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर सारे zero होंगे. Empty का मतलब ये है कि Python
गार्बेज वैल्यू, अनइनिशियलाइज्ड गार्बेज वैल्यूज उसमें पहले इंसर्ट कर देता है, और लेटर ऑन आप क्या कर सकते हो, अपनी खुद की रियल वैल्यूज उसमें डाल सकते हो. फाइन. नेक्स्ट वे, क्रिएटिंग एरेज फिल्ड विद जीरोस यूजिंग जीरोस फंक्शन. अब हम क्या करेंगे, ऐसे एरे बनाएंगे जिसकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, जीरो होंगी. ओके, द जीरोस फंक्शन वर्क्स इन द सेम मैनर एज एम्प्टी फंक्शन. जीरो फंक्शन बिल्कुल सेम तरीके से होता है जैसे आपका एम्प्टी फंक्शन होता है, उसका सेम सिंटेक्स होता है और वो सेम वर्क करता है. बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इट क्रिएट्स एंड रिटर्न्स अ न्यू एरे विद ऑल जीरोस एज इट्स एलिमेंट्स एज पर द स्पेसिफाइड साइज एंड टाइप. पर एम्प्टी और जीरोस में डिफरेंस क्या है, जीरोस ऐसा एरे बनाता है जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं. ओके, और कितने जीरो होंगे, एज स्पेसिफाइड साइज, जितना आपने साइज दिया है. ओके, और टाइप, अगर आपने इंट दिया है तो आपके जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट होंगे, अगर आपने फ्लोट दिया है तो आपके जीरो विद डेसिमल पॉइंट होंगे. फाइन. ओके, सो यहाँ पे इसका सिंटेक्स दिया हुआ है नंपाई डॉट जीरोस. शेप, शेप में आपका डिफाइन करोगे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, देन डेटा टाइप. ओके, आप डेटा टाइप स्पेसिफाई करोगे, देन द ऑर्डर. यहाँ और आई टोल्ड यू कि डेटा टाइप एंड ऑर्डर आपका ऑप्शनल है, आप इसको स्पेसिफाई करो या ना करो. फाइन. तो फर्स्ट वी विल टेक द एग्जाम्पल वन. फाइन, सबसे पहले हम एग्जाम्पल वन देखेंगे. Array of five zeros, default D type is float. ठीक है, हम एक five zeros का one dimensional array बना रहे हैं. Okay, और हमने data type specify नहीं किया है, तो by default वो क्या होगा, float zeros लेगा. Fine. Okay, so सबसे पहले आपने क्या किया, import किया यहाँ पे numpy library को. ठीक है, सो डेट हम उसके जीरोस फंक्शन का यूज कर सकें. फिर हमने नंपाई लाइब्रेरी के जीरोस फंक्शन में पास कर दिया फाइव. फाइन, सो यहाँ पे क्या है, फाइव आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन डायमेंशनल एरे. अब यहाँ पे क्या बने करेगा, ये फाइव जीरोस का एरे बनाएगा. वो एरे कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ए आर आर में स्टोर होगा. और फाइनली हमने उसको प्रिंट करा दिया, वेरी सिंपल. अब आप यहाँ पे आउटपुट में देखो, सारे जीरोस क्या है, फ्लोट है. फाइन, जीरो एंड डेसिमल पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे हमारे फाइव फ्लोट जीरोस का एरे क्रिएट हो गया. देन आपने टू डायमेंशनल एरे यहाँ पे क्रिएट किया है. ओके, अगेन वी विल इम्पोर्ट द नंपाई लाइब्रेरी. ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, नंपाई लाइब्रेरी के जीरोस फंक्शन का यूज करेंगे. ओके, अब यहाँ पे आपने स्पेसिफाई किया नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, टू रोज एंड थ्री कॉलम्स, राइट. एंड डेटा टाइप भी आपने स्पेसिफाई किया इंट. तो हमारा जो एरे बनेगा वो टू डायमेंशनल एरे बनेगा, और उस टू डायमेंशनल एरे में टू रोज होंगी और थ्री कॉलम्स होंगी. फाइन, एंड टू इंटू थ्री, सिक्स जीरोज होंगे. ओके, एलिमेंट्स आपके कितने होंगे, सिक्स, टू इंटू थ्री, सिक्स जीरोज. फाइन. ओके, अब ये हमारा एरे बन गया ए आर आर, और आपने इसको प्रिंट करा दिया. तो नाउ यू लुक एट द आउटपुट. अब आप आउटपुट पे देखो, आपका सिक्स जीरोस का एरे बन गया है, जहां पे आपकी रोज कितनी है, टू रोज है, और कॉलम्स कितने हैं, थ्री कॉलम्स हैं. लुक एट द आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट. फाइन, टू रोज वन एंड टू, टू रोज एंड सिक्स कॉलम्स. फाइन, now we have the next method, creating arrays filled with ones using ones function. अब हम array बनाएंगे जिसके सारे elements क्या हैं, one है. okay, और by using the ones function, the ones function works in the same manner as empty, but the only difference is that it creates and returns a new array with all ones as its elements as per the specified size and type. अब ये क्या बोल रहा है कि ones function बिल्कुल same तरीके से work करता है जैसे empty function work करता है, लेकिन एक ही difference है कि इसके सारे elements क्या होते हैं, one होते हैं. okay, और it will create array with all one. ठीक है, with the specified size and type.
और यहाँ पे वन किसके अकॉर्डिंग होंगे, जो आपने साइज दिया है और टाइप दिया है, फ्लोट वन होंगे या इंट वन होंगे, जो भी आपने दिया है. फाइन, सो यू कैन सी वी हैव द सेम सिंटेक्स, हमारे पास सेम सिंटेक्स है numpy डॉट वन. ठीक है, शेप, शेप से आप डिफाइन करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, डेटा टाइप एंड ऑर्डर. डेटा टाइप एंड ऑर्डर क्या है, आपका ऑप्शनल है. तो फर्स्ट यू कैन सी द फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है एरे ऑफ फाइव वंस, डिफॉल्ट डेटा टाइप इज फ्लोट. हम फाइव वंस का एरे बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें डिफॉल्ट डेटा टाइप हमारा क्या है, फ्लोट है, क्योंकि हम कोई भी डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया, numpy लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया. फाइन, ओके, फिर हमने क्या किया, numpy लाइब्रेरी का वंस फंक्शन यूज किया है. ओके, देखो यहाँ पे हमने numpy लाइब्रेरी को कैसे इम्पोर्ट किया, np नेम से, उसको हमने एक अल्टरनेटिव नेम दिया np, तो हम इंस्टेड ऑफ numpy हम np लिख सकते हैं. फाइन, आप numpy डॉट वंस भी लिख सकते हो और np डॉट वंस भी लिख सकते हो. np डॉट वंस फंक्शन में आपने क्या किया, फाइव वैल्यू लिए, फाइव मीन्स नंबर ऑफ फाइव एलिमेंट्स इन 1D एरे. ओके, तो आपका ये फाइव वंस का एरे बनेगा और इस एरे का नेम क्या है, A1. कहाँ जाके स्टोर होगा, A1 में. अब आपने प्रिंट करा दिया A1 को. फाइन, तो आप यहाँ पे आउटपुट पे देखो, आपका फाइव वन का एरे बना है. ओके, एंड ऑल वंस आर फ्लोट विद डेसिमल पॉइंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका numpy एरे क्या होता है, फ्लोट होता है, अगर आपने डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया है. फाइन, अब नाउ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, 2D एरे फिल्ड विद वन. ओके, सबसे पहले आपने numpy लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया, उसका नाम रखा np. ठीक है, अब आपने सिंपली np डॉट वंस ले लिया, पूरा numpy डॉट वंस की जगह आप np डॉट वंस भी ले सकते हो. ओके, इसमें आपने पास कर दिया शेप, दैट इज शेप क्या है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स एंड डेटा टाइप इंट. फाइन, तो यहाँ पे 2 × 3 = 6 एलिमेंट्स का एरे बनेगा, जिसमें सारे वन होंगे और कैसे वन होंगे, इंटीजर टाइप वन होंगे. ठीक है, विदाउट फ्लोट वैल्यूज. नाउ अब आप देखो इसको, ये आपका आउटपुट है जहाँ पे आपका एरे बना हुआ है, जिसमें क्या है, 2 रोज है, ओके, एंड 3 कॉलम्स है, एंड यू हैव 6 1. फाइन, नाउ नेक्स्ट वे क्रिएटिंग numpy एरेज यूजिंग अरेंज फंक्शन. अब हम लोग बनाएंगे एरे अरेंज फंक्शन को यूज करके. द अरेंज फंक्शन इज सिमिलर टू पाइथन्स रेंज फंक्शन, बट इट रिटर्न्स एन एनडी एरे इन प्लेस ऑफ पाइथन लिस्ट रिटर्न बाय द रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ पाइथन. अब यह अरेंज फंक्शन किसके सिमिलर है, रेंज फंक्शन, जो हमने पहले भी किया हुआ है रेंज फंक्शन. ठीक है, लेकिन रेंज फंक्शन क्या होता है, लिस्ट क्रिएट करता है. ओके, और अरेंज फंक्शन क्या करता है, एरे क्रिएट करता है. फाइन, पाइथन numpy एरे क्रिएट करता है. द अरेंज फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट एरे फ्रॉम अ रेंज. फाइन, दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम है, अरेंज एंड रेंज फंक्शन की वर्किंग बिल्कुल सेम है, उनका सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, राइट, बस एक ही डिफरेंस है, रेंज फंक्शन लिस्ट क्रिएट, पाइथन लिस्ट क्रिएट करता है, और अरेंज फंक्शन पाइथन एरे क्रिएट करता है. फाइन, तो दिस इज योर सिंटेक्स, ये आपका सिंटेक्स है. फाइन, एरे नेम इज इक्वल टू numpy डॉट अरेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप वैल्यूज एंड डेटा टाइप. स्टार्ट वैल्यू कहाँ से आपका एरे स्टार्ट करेगा, स्टॉप वैल्यू कहाँ पे स्टॉप करेगा, एंड स्टेप वैल्यू कैसे चलेगा, वन बाय वन चलेगा या वैल्यू स्किप कर करके चलेगा. फाइन, ओके, एंड देन डेटा टाइप, आप डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हो कि किस टाइप का आपका एरे बने. ओके, अब यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टेप वैल्यू क्या है, ऑप्शनल है, आप इनको स्किप भी कर सकते हो. जैसे आप रेंज फंक्शन में स्टार्ट और स्टेप वैल्यू को स्किप कर सकते हो, वैसे ही आप अरेंज फंक्शन में भी स्टार्ट एंड स्टेप वैल्यू को स्किप कर सकते हो. ओके, और सिंपली स्टॉप वैल्यू दे सकते हो, और जब आप सिंपली स्टॉप वैल्यू दोगे तो आपका एरे कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा. फाइन, आपका एरे कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से. ओके, और कैसे चलेगा, 1 by 1 चलेगा. फाइन, ओके, सी, एंड लेकिन क्या है, स्टॉप वैल्यू देना कंपलसरी है.
एंड वन मोर थिंग, जैसे हमारा अरेंज रेंज फंक्शन में होता है स्टॉप वैल्यू इज ऑलवेज माइनस वन, तो ऐसे यहाँ पे अरेंज फंक्शन में होगा स्टॉप वैल्यू इज ऑलवेज माइनस वन। अगर आपने स्टॉप वैल्यू 10 दी है तो क्या होगा, 10 माइनस वन 9, फाइन। ओके नाउ लेट अस सी, अब नाउ वी हैव टू एग्जांपल्स हियर। सबसे पहले हमने क्या किया, numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और उसका नाम दिया np, फाइन। देन सेकंड हमने क्या किया, numpy लाइब्रेरी का अरेंज फंक्शन यूज किया और उसमें क्या किया है, हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी है 2 और एंडिंग वैल्यू दी है 10। ओके एंड आई टोल्ड यू एंडिंग वैल्यू क्या है, माइनस वन है, तो यहाँ पे 10 माइनस वन क्या हो जाएगा, 9। तो आपका एरे कौन सी वैल्यूज क्रिएट करेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके और वो आपकी वैल्यूज कहाँ स्टोर होगी, ARR वेरिएबल में, जो अब आपका एरे बन चुका है, फाइन। ओके नाउ सी, यू कैन सी दिस इज योर एरे, ठीक है। तो अरेंज फंक्शन बिल्कुल सेम वर्क करता है रेंज फंक्शन के, फाइन। अब यहाँ पे देखो इंपोर्ट, दूसरा एग्जांपल देखो, इंपोर्ट numpy एज np, हमने इंपोर्ट किया, देन np.arrange numpy लाइब्रेरी के हम अरेंज फंक्शन का यूज करें और यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही पैरामीटर दिया है, ठीक है। तो एक ही पैरामीटर का मतलब ये हमने स्टॉप वैल्यू दी है, ओके, क्योंकि स्टॉप वैल्यू देना कंपल्सरी होता है, राइट। आप स्टार्टिंग वैल्यू स्किप कर सकते हो, स्टेप वैल्यू स्किप कर सकते हो, बट स्टॉप देना कंपलसरी होता है। तो 11 माइनस 1 10, तो ये कहां से कहां तक वैल्यू लेगा, जब स्टार्टिंग वैल्यू नहीं होती तो रेंज फंक्शन कहां से स्टार्ट करता है, 0 से स्टार्ट करता है, लाइक रेंज फंक्शन। तो ये वैल्यूज लेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो लुक एट द आउटपुट, ये आपका वन डायमेंशनल एरे बना है 0 से लेकर 10 तक, ओके। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स देखे वन डायमेंशनल एरे बनाने के लिए बाय यूजिंग अरेंज फंक्शन। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग 2D एरे यूजिंग अरेंज फंक्शन। अब अरेंज फंक्शन की हेल्प से हम 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करेंगे, फाइन। We can use arrange along with reshape to create a two-dimensional array. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले arrange function का use करके one-dimensional array create करना है, फिर reshape function का use करके उसको two-dimensional array में convert करना है, fine? तो यहाँ पे step देखो, first आपका क्या है, create 1D array using अरेंज फंक्शन। सबसे पहले आप 1D एरे बनाओगे अरेंज फंक्शन का यूज करके, फाइन। सेकंड स्टेप क्या है, रीशेप 1D एरे क्रिएटेड इन द प्रीवियस स्टेप्स यूजिंग रीशेप फंक्शन एज पर द सिंटैक्स। फिर उस 1D एरे को आप रीशेप फंक्शन का यूज करके 2D एरे में कन्वर्ट करोगे। एंड सिंटैक्स क्या है आपका, सिंटैक्स है एनडी एरे डॉट रीशेप, ओके। और रीशेप फंक्शन में आप दोगे शेप टपल, शेप टपल मींस नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मतलब कितने रोज एंड कॉलम्स में आपका एरे कन्वर्ट हो, फाइन। अब इसको देखो एग्जांपल की हेल्प से हम लोग देखेंगे, इंपोर्ट numpy एज np। सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट कर दी लाइब्रेरी, ओके। फिर हमने क्या किया, एक हमने एरे बनाया बाय यूजिंग द अरेंज फंक्शन, ठीक है, ठीक है, ओके। उसमें हमने क्या लिया, स्टॉप वैल्यू लिया 10, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये 0 से 9 तक चलेगा, बिकॉज स्टॉप वैल्यू इज ऑलवेज माइनस वन, ठीक है, ओके। हमने उस एरे को स्टोर कर दिया A1 में, उसको प्रिंट करा दिया। अब सबसे पहले देखो, आपने सबसे पहले ये वन डायमेंशनल एरे बना दिया 0 से लेकर 9 तक, ओके। अब आपका क्या है, सेकेंड स्टेप है, अब आपने क्या किया, A1 जो आपका एरे बना है वन डायमेंशनल डॉट रीशेप, ठीक है, उसके साथ आपने रीशेप फंक्शन का यूज किया और उसमें रीशेप फंक्शन में आपने दिया है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज 5 एंड कॉलम्स 2, फाइन। तो आपका A2 अब क्या बन गया है, 2 डायमेंशनल एरे बन चुका है, जिसमें क्या है, रीशेप की हेल्प से आपने A1 के एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर दिया है 2 डायमेंशनल एरे में,
ओके नाउ यू लुक एट दिस, आप इसका आउटपुट देखो, यहाँ पे आपका 5 रोज, ये आउटपुट है आपका 5 रोज, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 रोज एंड 2 कॉलम्स का आपका एरे बन गया यहाँ पे, 5 रोज एंड 2 कॉलम्स का एरे, फाइन। ये आपका 5 रोज और 2 कॉलम्स का एरे बन गया, फाइन। अब नेक्स्ट हमने एक और एरे बनाया, A1 डॉट रीशेप, रीशेप का यूज करके अब यहाँ पे हमने 2 रोज लिए और 5 कॉलम्स लिए, फाइन। और ये हमारा बना एरे A3, ओके। अब यहाँ पे देखो आप आउटपुट के अंदर 2 रोज हैं और आपके 5 कॉलम्स हैं, फाइन। तो ये आपका बन गया 2D एरे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, पहले 1D एरे बनाया, फिर 1D एरे को रीशेप फंक्शन यूज करके क्या किया, 2D एरे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंबाइन एक ही स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हैं, अरेंज एंड रीशेप फंक्शन को, ठीक है। तो इस एग्जांपल में देखो, सबसे पहले हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, फाइन। फिर हमने क्या किया, एनपी डॉट अरेंज 8.0, 8.0 क्या है, हमारी वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू है, तो 8 दिस इज द, और यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीजर वैल्यू की जगह फ्लोट वैल्यू ले लिया है, 8.0 माइनस 1 दैट इज 7.0, ठीक है। स्टॉप वैल्यू इज ऑलवेज माइनस 1, और इसी के अंदर हमने इसको रीशेप भी कर दिया है, अरेंज डॉट रीशेप 2.4। तो जो हमारा 0 से लेकर 0 पॉइंट से लेकर 7 पॉइंट तक का जो एरे बनेगा, ठीक है, वो किस फॉर्म में बनेगा, 2 रोज एंड 4 कॉलम्स, फाइन। तो यहाँ पे आपने क्या किया, दोनों को एक साथ यूज किया है, एनपी डॉट अरेंज फंक्शन डॉट रीशेप, ओके, एक ही स्टेटमेंट में ये पूरा यूज कर लिया। तो आपका एरे बनेगा 7.0 वैल्यूज का, 0 से 0 वैल्यू से लेकर, अगर आप सिंपली इंटीजर में समझें तो अगर यहाँ पे सिंपली 8 दिया हुआ है तो आपका 0 से 7 तक का एरे बनेगा और उसकी शेप क्या होगी, 2 रोज एंड 4 कॉलम्स, फाइन, ओके। सी यहाँ पे हमारा 0 से 7 तक का एरे बना है और कितनी रोज है, 2 रोज है आपका और 4 कॉलम्स है, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है आपके, दिस इज योर आउटपुट। तो हम सिंगल स्टेटमेंट भी में भी अरेंज और रीशेप का यूज करके क्या कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल एरे बना सकते हैं, फाइन। अब यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम एरेस बना सकते हैं, नंपाई एरेस बना सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी हैव डन दीज मेथड्स। जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यही वेज करने हैं, right? Now we will meet in the next video with next part of the NumPy. Okay? So till then, bye bye.